इसके अलावा जनाब मेरे पास आ गया जनाब ये वोल्ट मीटर, इसको मैंने बेल पर रखा, इसके ऊपर दो टेस्टिंग प्रॉब हैं। अगर मैं इसको जनाब दोनों को आपस में टच करता हूं तो ये बेल आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं जनाब अगले प्रोसीजर की तरफ। ये देख रहे होंगे शायद आप लोगों ने ये देखा होगा, ये डायोड। अब डायोड के अंदर क्या होगा, मैं एक एक साइड पर लगाता हूँ, एक एक साइड पर लगाता हूँ, तो देखें वोल्ट मीटर के अंदर मुझे क्या चीज़ मिल रही है। मुझे इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर के अंदर देखें मुझे कुछ भी नहीं मिला, जीरो जीरो रीडिंग, ठीक है। अब करता हूं मैं जनाब दूसरी तरफ करता हूं तो दूसरी तरफ मुझे भी मिलने चाहिए वोल्टेज, चार पाँच छः, ठीक है, सात आठ तक मिल जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। यहां पर मैं लगाता हूं, यहां पर लगाता हूं, ये देखें यहां पर मुझे क्या मिल रहे हैं, ये देखें पाँच छियालिया और छियालीस, यानी कि पाँच से सात जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मेरे वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, ये मेरा डायोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमने ये पूरे बोर्ड के अंदर हमने डायोड को चेक करना होता है, जहां पर भी आपको डायोड मिल जाए आपने इसी तरतीब के जरिए चेक करना है, और इंशाल्लाह मैं जिस तरतीब से लेके आपको चलूंगा ना तो आपको कोई भी बोर्ड मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बोर्ड रिपेयरिंग के, बोर्ड रिपेयरिंग के असूल के लिए सबसे पहले तो आपको पहले पहचान करवाता हूँ, वो क्या पहचान है कि ये मेरे पास एक बोर्ड है, शायद कैमरामैन मेरे आपको ये दिखा सके, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड मिलता है ना, ये आपको पुरानी गाड़ियों के अंदर मिलता है, यानी कि जो आपको गाड़ियां मिलती थी 16 वाल इंजन जो टोयोटा हाईएस के अंदर ये मिलते थे, और इसके अलावा आपको 4E के कंप्यूटर आपको, यानी कि ये उन गाड़ियों के अंदर आपको ये टोयोटा गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां थी उनके अंदर आपको इस तरह के बोर्ड मिलते थे। इनके अंदर आपको कोडिंग भी मिलती थी, IGF और IGT जो आमतौर पर हम लोग लिखते हैं, E02, ये सारी चीजें इस बोर्ड के अंदर आपको ये मिलती थी, ठीक है। लिहाजा ये बोर्ड खत्म हो चुके हैं, ये था नॉन SMD। अब ये जो बोर्ड आ चुके हैं ये आप देखें एयरबैग की किट के अंदर, ये देखें आपको ये मिलते हैं SMD, ठीक है। ये नॉन SMD थे, ये खत्म हो चुके हैं, इसको मैं साइड पर कर देता हूं। ये आते हैं जनाब SMD, ठीक है। इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा है, ये आ गया SMD, ठीक है। ये भी आपको SMD बोर्ड मिल रहा है, ये भी आपको एक SMD बोर्ड मिल रहा है, जिसको रिपेयर करना आसान है, लेकिन ये IC के अंदर चेंज हो गई चीजें। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ था, नॉन कैपेसिटर बेसर और नॉन बेसर कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर मिनी और स्मॉल, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर अगर आप लोग जज करेंगे तो मेरे भाई इसके अंदर भी आपको कैपेसिटर मिलता है, इसके अलावा आपको डायोड मिलता है, ये जितनी भी चीजें इसके अंदर मिलती हैं आपको ये इसके अंदर छोटी कर दी गई हैं, ठीक है।